फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों खराब वेबसाइट आखिर रैंक करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आपसे अच्छे अच्छे वेबसाइट होते हैं वो जल्दी रैंक करने लगते हैं और आपका वेबसाइट रैंक नहीं करता। तो क्या रीजन है कि आखिर आपका वेबसाइट रैंक नहीं होती है और आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे से भी खराब वेबसाइट है ये और ये रैंक कर रहा है, आखिर क्यों? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको आपका वेबसाइट क्यों नहीं रैंक कर रहा है और आप कैसे रैंक करवा सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो आपके भी सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहला रीजन होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जिनका वेबसाइट खराब वेबसाइट होता है वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंटेंट डाल देते हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जो कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा 1000-2000 से भी ज्यादा सिर्फ 2-3 महीना में ही डालवा देते हैं कॉन्टेंट, और बहुत ज्यादा डाल देते हैं। उनका जो है रियल कॉन्टेंट, यूनिक कॉन्टेंट भी नहीं होता है और ज्यादा यहाँ पे कंटेंट होने के कारण उनका कीवर्ड्स जो है रैंक करने लगता है, कीवर्ड रैंक करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कीवर्ड पे फिर बैकलिंक्स उन्हें बहुत ज़्यादा बनवा देते हैं। ठीक है, या खरीद लेते हैं बैकलिंक्स या बनवा देते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट, न्यू वेबसाइट होती है जिनका रैंक हो जाता है 2-3 महीना में ही, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब जो खराब वेबसाइट होती है बाकी 2-3 महीने में तो अच्छी अच्छी वेबसाइट भी रैंक करते हैं, जैसे MPNRC हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो खराब वेबसाइट है तो उनका बैकलिंक्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होता है, कोई कोई होता है लाखों में बैकलिंक्स बना देते हैं वो लोग, या कि उनके पास समझिए तो पैसे होते हैं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं खराब वेबसाइट में। ठीक है, और वो लोग पैसे से क्या करते हैं, बैकलिंक्स बाय कर लेते हैं, जो कि बैकलिंक अधिक होने के कारण गूगल उनको वैल्यू दे देता है और अथॉरिटी बढ़ जाने के कारण वैल्यू वेबसाइट का जो है ना अथॉरिटी बढ़ जाता है, इससे थोड़ा बहुत गूगल को ट्रस्ट बन जाता है और ट्रस्ट बनने के बाद वह वेबसाइट रैंक करने लगती है। दूसरा रीजन क्या होता है कि खराब वेबसाइट जब भी बनाते हैं लोग तो एक्सपायर डोमेन बनाते हैं। एक्सपायर डोमेन क्या होती है दोस्तों, जो पहले का डोमेन होता है किन्हीं ने बाय कर रखा, उस पर बैकलिंक अच्छा खासा बैकलिंक्स होने के कारण जो एक्सपायर डोमेन खरीदते हैं उसमें अच्छा खासा बैकलिंक्स बना हुआ होता है, तो अच्छा खासा बैकलिंक्स बने होने के कारण वह वेबसाइट जो है रैंक करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वो लोग तरीका अपनाते हुआ है ब्लैक हैट SEO का। ठीक है, वो लोग ब्लैक हैट SEO का तरीका अपनाते हैं और इससे क्या होगा, ब्लैक हैट SEO में बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग वगैरह होता था, बट अभी के टाइम में ब्लैक हैट SEO उतना काम नहीं करता, बट कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके का चीज़ें करके अपना वेबसाइट को रैंक करवा लेते हैं। वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, गूगल ऐड चलवा लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि फेसबुक एड, गूगल एड पे कुछ वल्गरिटी चीज आते हैं, उसमें आते रहते हैं वेबसाइट में, स्टोरी में। ठीक है, स्टोरी में आते रहते, वह क्या था, गूगल का ऐड चल रहा था या फेसबुक का ऐड चला हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर कुछ वो लोग क्लिक बेट करते हैं, क्लिक बेट करने के बाद उनका जो है ना रैंक करना है और वेबसाइट पर ट्रैफिक जाने लगता है, तो इस प्रकार से उनका जो वेबसाइट को धीरे धीरे फिर अथॉरिटी मिल जाती है, आर्टिकल को अथॉरिटी मिल जाती है, ऐसे गूगल को लगता है कि रैंक करने लगता है। गूगल कितना भी तरीका ले आए लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रैंक करवा देते हैं, तो ये चीज होती है इसमें। तो खराब वेबसाइट का रैंक करने का मेनली रीजन यही सब था। ठीक है, ब्लैक हैट SEO वगैरह, और सबसे ज्यादा वो लोग कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह है वो लोग शेयर, सोशल शेयरिंग बहुत ज्यादा करते हैं। सोशल शेयरिंग करने के लिए उन लोगों पर टीम्स होती है, पूरी टीम्स होती है, वो लोगों को ये चीज का डर नहीं रहता कि अगर गूगल एडसेंस का डिसेबल हो गया तो फिर क्या होगा, ट्रैफिक नहीं आएगा तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। वो लोग ज्यादा, उनका वेबसाइट ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद उनका वेबसाइट ऑटोमेटिकली डी इंडेक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर ही वो लोग इतना अर्न कर लेते हैं कि उनका कुछ असर ही नहीं पड़ता, फिर दूसरा वेबसाइट बनाते और फिर उसी तरह से करते। लेकिन उन लोगों के पास क्या होता है कि सिर्फ एक ही वेबसाइट पे वो लोग निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि यह वेबसाइट आज नहीं तो कल डी इंडेक्स होने वाली है, तो उसी तरह का मल्टीपल वेबसाइट उन्होंने बना रखा हुआ है ताकि एक वेबसाइट जाए तो दूसरी वेबसाइट पे काम हो और दूसरी वेबसाइट से हमारा इनकम आता रहे, तो इस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। तो मैं सजेशन करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आप ऐसी चीजें ना अपनाएं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ही नुकसान है, बार बार आपका
जो है मेहनत बेकार चला जाएगा। अगर देखिए ये सब जो है वो लोग फील्ड इस फील्ड में न्यू नहीं है, बहुत ही पहले से वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोग को असर नहीं पड़ता। आप लोग न्यू है, आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा तो आपका क्या होगा, डिमोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अगर आप सही ढंग से करेंगे तो अगर 10 व्यूज भी आएंगे ना, तो आपका मोटिवेशन कायम रहेगा। तो ये सब चीजें आपको करनी है, आपको ना कि ब्लैक हैट एसईओ या फिर कुछ ऐसा तरीका अपना जिससे गूगल आपको पेनलाइज कर दे। अब हम बताते हैं कि आखिर आपका वेबसाइट को कैसे रैंक करवा सकते हैं, आप अपना वेबसाइट को कैसे रैंक करवा सकते हैं। तो आप अपना वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए डेफिनेटली दोस्तों आप अच्छा कंटेंट डालें, ठीक है। आपको मैंने बताया इसमें कि 1000-2000 कंटेंट डाल लेते हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना। आप भी डाल सकते हैं अगर सक्षम है, अच्छा कंटेंट डालने का, यूनिक कंटेंट डालने के लिए अगर आप सक्षम है तो आप डाल दें, ठीक है, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, कंटेंट अगर जितना ज्यादा आप डालते हैं उतना ज्यादा आपको रैंकिंग मिलती है ये चीज, क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा उतना ज्यादा कीवर्ड्स आपको रैंक करने लगता है। और ज्यादा कीवर्ड होने के कारण दोस्तों अगर रैंक करने लगता है, तो अगर मान लेते 1000 कीवर्ड से 1-1 ट्रैफिक भी आ रहा है, तो आपका 1000 ट्रैफिक हो गया। 1000 ट्रैफिक होने के बाद दोस्तों आपका पेज व्यू जो बन जाएगा ना, वो 4 से 5 हज़ार पेज व्यू बन जाएगा डेली का अगर होता है। तो ये चीज आपको मायने रखना चाहिए, आपको कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। कंटेंट पे ध्यान देने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। कंटेंट से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करके उसके बाद सबसे मेन खेल होता है एसईओ का, 25% 35% जो होता है ना वह होता है कीवर्ड। अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना सीख गए दोस्तों, तो आपका 35% एसईओ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 35%। और कीवर्ड रिसर्च आप जितना अच्छा कीवर्ड रिसर्च करेंगे उतना जल्दी आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस होते हैं। आप कोई भी कीवर्ड पे अगर आप काम करते हैं जिस पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, आप सिर्फ उस पे टाइम वेस्ट कर रहे, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना ही होगा। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट तरीका जो है दोस्तों इसमें, वह बैकलिंक्स, ठीक है। आपको बैकलिंक्स के ऊपर भी काम करना होगा ये चीज में। अगर आप तो ब्लैक हैट एसईओ कर नहीं रहो, आप यहाँ पे ओरिजिनल एसईओ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपको बैकलिंक्स के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। बैकलिंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है गूगल का। अगर आपके वेबसाइट पर अच्छा खासा बैकलिंक्स होते हैं, और यूनिक बैकलिंक्स और अच्छे बैकलिंक्स, ना कि स्पेमी, अच्छे बैकलिंक्स अगर आपके पास हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला वर्क यहाँ पे है। और आप बैकलिंक्स पे काम करेंगे तो आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी के टाइम में आपको टेक्निकल एसईओ तगड़ा होना चाहिए, जैसे कि आपका साइट का स्ट्रक्चर, सिलो स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका वेबसाइट का स्पीड, ठीक है, ये सब चीजें आप अगर कंफर्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा रैंकिंग मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।